हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने फाइव जय विज्ञान की जय काव्य मैंने चलाई थी और आपको वीडियो के द्वारा बताई भी थी, तो आपने देखी होगी, उसका ध्यान भी किया होगा। उसके बाद विज्ञान की जय, एटले विज्ञान की जय जयकार, किसान की, विज्ञान की, जवान की, सबकी जय इस काव्य में की है। तो अब हम देखते हैं इसका अभ्यास और स्वाध्याय। तो यहाँ पे अभ्यास में दिया है कि आपको पहले तो इसके मुहावरे के अर्थ लिखे, सब मुहावरे के अर्थ, मुहावरे के अर्थ, एक है स्वर्ण सवेरा लाना, स्वर्ण सवेरा लाना, स्वर्ण सवेरा लाने का अर्थ है सुख सुविधा निर्माण करना, सुख सुविधा निर्माण करना, सुख सुविधा निर्माण करना। उसके बाद दूसरी है गंगा यमुना लहराना। उसके बाद क्या है, इसका वाक्य बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम बड़े होकर देश में स्वर्ण सवेरा लाएंगे, पहले इसका वाक्य बनाते हैं। हम बड़े होकर देश में सुवर्ण सवेरा लाएंगे, हम बड़े होकर देश में सुवर्ण सवेरा लाएंगे। गंगा यमुना लहराना, गंगा फसल अच्छी हुई तो किसान के घर गंगा यमुना लहराएगी, फसल अच्छी हुई तो किसान के घर गंगा लहराने लगेगी, गंगा यमुना लहराने लगेगी। उसके बाद स्वाध्याय अभ्यास है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो विज्ञान कोई भी कार्य यदि मोबाइल की खोज नहीं होती
तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडलाइन फोन, हम पहले के ज़माने में अभी मोबाइल आए हैं जैसे वैज्ञानिक में सुधारा हुआ तो धीरे धीरे मोबाइल अपडेट हुए हैं। पहले हमारे सबके घर पे लैंडलाइन डब्बे दिखने मिलते थे। लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोन पर आधार रखना पड़ता था और जहाँ और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं थी। जब अभी तो मोबाइल है, आप कहीं पर भी हो, कहीं भी समय आप फोन कर सकते हो। पहले तो लैंडलाइन फोन था जो एक जगह पे ही रहता है। अगर आपको बात करनी हो तो आपको समय निकाल के उसके पास जाना पड़ता था। इसीलिए यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ के फोन पर आधार रखना पड़ता और हम जहाँ और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। उसके बाद है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वो नहीं होती। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का अधिकार नहीं हुआ होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। उसके बाद दिया है, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। तो उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं शब्द जैसे यहाँ पे नौकरानी शब्द दिया है, लास्ट में नहीं आए ऐसे शब्द बनाने हैं, जैसे कि देवरानी, सही है। उसके बाद सेठानी, देवरानी, सेठानी, उसके बाद जेठानी, जेठानी, आर्थिक, आर्थिक के शब्द बनते हैं धार्मिक, धार्मिक के बाद सामाजिक, नायिका,
अपने नायिका के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे गायिका, सेविका, लेखिका, गायिका, नायिका, सेविका, नायिका, गायिका, सेविका। उसके बाद है चुनाव, चुनाव के शब्द बनेंगे चढ़ाव पड़ाव तनाव, चढ़ाव पड़ाव तनाव, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसका लास्ट अक्षर जो आता है। उदाहरण के अनुसार ऐसे कई शब्द दिए हो तो अगर आप लिख सकते हो। उसके बाद दिया है स्वाध्याय, स्वाध्याय के प्रश्न हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट में से क्या लाभ होता है। क्या कौन सा प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है, बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता आपके सामने आ जाता है, घर बैठे रेलवे और ट्रेन की हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं, घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है, सेना शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है, दूसरा प्रश्न क्या है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत हो सकती है। किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है, तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करते हैं, तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं के उपयोग का निर्माण करते हैं। उसके बाद है क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकेंगे, हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम यश पा सकेंगे, पिछड़ेपन को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे तो यश पा सकेंगे। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमें टेलीफोन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह हर तरह से मनोरंजन कराता है। मोबाइल में तो अभी कितनी सारी सुविधा, आप घर बैठे किसी को भी सामने वेब कैमरा के द्वारा मोबाइल में कैमरा ऑन करके, अभी तो व्हाट्सएप द्वारा आप कहीं से किसी को भी कितने भी दूर व्यक्ति बैठा हो तो उसका मुंह देखकर आप बात कर सकते हो, उसको उसकी आवाज़ सुन सकते हो, उसको मैसेज भेज सकते हो, और कोई भी आपको कहीं किसी भी टाइम आपको किसी को भी देखना हो तो आप देख सकते हो। बहुत सारी सुविधा हमें फ़ोन के माध्यम से मिली है, वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा हमें बहुत सारी सुविधाएँ प्राप्त हुई है। तो तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों, तो हमें टेलीफोन का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारे मनोरंजन कराता है। उसके बाद है निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तो कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई उधर उधर पर, खुशियाली का गंगा यमुना लहराए, उस काव्य पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट होता है, बच्चे नई सदी के बोले धुनी अपनी
शान की, बच्चे नई सदी के बोले धुनी अपनी शान की। उसके बाद दूसरा है, चले समय के साथ जय जवान जय किसान। आगे काव्य में दिया है, आप पढ़ लेना कंप्लीट। उसके बाद है, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस सुविधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास पाएंगे, फिर करने शुरुआत सभी को मानवता के गान की, जय जवान जय किसान। यानी उसके बाद है प्रश्न तीन, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपकरण शब्द दिया है, क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपकरण, तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं, कैसा वाक्य बनेगा। उसके बाद दूसरा है मोबाइल, उसके बाद क्या है मोबाइल। मोबाइल का वाक्य बनाया है कैसे, मेरे दीदी ने खरीदा के लिया कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। क्रांति, क्रांति का वाक्य है, बिजली के आविष्कार में हमारे जीवन में क्रांति आ गई। बिजली के जीवन में क्रांति आ गई। बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई। खुशियाली, खुशियाली यानी कि नई गाड़ी आने पर घर में खुशियाली छा गई।
ठंडी गाड़ी आने पर घर में खुशियाली छा गई के आ गई। उसके बाद चित्र देखकर वाक्य लिखिए। तो सबसे पहला चित्र क्या है? सबसे पहला चित्र क्या है? चित्र देखकर आपको वाक्य बनाने आना चाहिए। प्रस्तुत चार पहला चित्र है, लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है। दूसरा चित्र किसका है? मोर का। मोर नाच रहा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, लड़की दौड़ रही है। तीसरा चित्र में क्या कर रही है? लड़की दौड़ रही है। तो लड़की दौड़ रही है। लड़का पानी पी रहा है। उसके बाद पांचवा चित्र क्या है? लड़का स्नान कर रहा है। लड़का स्नान कर रहा है। लड़का स्नान कर रहा है। उसके बाद छठा चित्र क्या है? लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। लड़का कूड़ेदान में केले का छिलका डाल रहा। लड़का कूड़ेदान में केले का छिलका डाल रहा है। उसके बाद एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है लड़का? लड़का क्रिकेट खेल रहा है। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है। उसके बाद चित्र दिया है, आप पहले ये लिख लो आपके नोटबुक में। आगे हैं लड़का बीमार लड़के को। लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बिठा कर ले जा रहा है। लड़का
लड़का बीमार लड़के को पहिए वाले कुर्सी पर बैठा कर पहिए वाले कुर्सी ले जा रहा है। बालक सो रहा, क्या कर रहा है दसवें चित्र में? बालक सो रहा है, दसवें चित्र में बालक सो रहा है। ग्यारहवें चित्र में क्या बताया है? फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। कैसे वाक्य बनेगा? फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। फेरी वाला फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। उसके बाद 12वां चित्र है, क्या है? लड़का पौधों को पानी दे रहा है। लड़का पौधों को पानी दे रहा है। उसके बाद योग्यता विस्तार दिया है, उसमें दिया है वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके कहानी जीवन प्रसंग की घटनाएं आदि ढूंढकर भित्ति पत्र पर चिपकाए, यानी कि ऐसी घटनाएं के जो चित्र आपको मिले तो आप चिपकाना। उसके बाद जो आगे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब पीरियड आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगी। अपना अभी यहाँ तक ही रखते हैं, ये लेक्चर पूर्ण होता है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जैसे अपने फरी मिलीशू तरह हूँ तमने आगे पाठ चलाइश। हरिओम विद्यार्थी मित्रों।